जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आए कि जहां पे एक भाग के बाद फिर से एक भाग आए, तो यहां पे ये कंफ्यूजन होने लगता है कि पहले हम ये वाली भाग सॉल्व करें कि या ये वाली भाग सॉल्व करें। तो एक बात याद रखना हमेशा कि अगर दो भाग एक साथ आई है तो सबसे पहले हम पहली भाग को सॉल्व करेंगे। कौन सी भाग? पहली भाग। ओके चलो, तो 10 में 10 से भाग करा कितना आया? एक। फिर उसके बाद भागे कितना? 10। अब देख रहे हो 10 में, देखो अब फिर से एक में 10 से भाग लगाना है, एक में 10 से भाग लगाना है, तो इसको आप 1/10 कर सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 0.1। ये हो गया आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से कितने लोगों का सही था? बात बढ़िया, वेरी गुड। चलो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन और इसको दिया था, चलो इसको देखो। इसका मतलब पहले ये भाग करेंगे तो ये हो गया 2 और भागे 10। अब 2 भागे 10 का मतलब 2/10, इसका मतलब 0.2, तो ये भी आ गया होगा। वेरी गुड। चलो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और। पहले क्या करेंगे? 20 से भाग लगाएंगे 200 में, आ जाएगा कितना? 10। फिर भागे 10 और 10 भागे 10 बराबर 1। हो गया, मजा आया? Yes. बहुत बढ़िया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब बॉडमॉस वाले क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो जल्दी से दो से, सबसे पहले देखो, अगर भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाव भी, यानी कि अगर आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर ये चार के चारों निशान होते हैं तो सबसे पहले भाग। बहुत बढ़िया, सबसे पहले भाग। तो जब भाग करेंगे आप, तो भैया 2 से 8 में भाग करें कितना आया? 4। बाकी चीजों को आप ऐसे उतार लीजिए, गुणे 10 + 20 - 30। अब की बार गुणा, तो 10 + 40 + 20 - 30। अब की बार जोड़ना, तो 40 + 20 = 60, 60 - 30, और 60 में से 30 गया, 30 आ गया। लग रहा था अरे बहुत बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? बहुत छोटा है। अगर कोई स्मार्ट बच्चा होता तो यही कर लेता, कैसे यहाँ से आया 4, 4 * 40, 40 + 20 = 60, 60 - 30 = 30, डायरेक्ट आंसर ला सकता। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। अब की बार सबसे पहले भाग, सबसे पहले टार चलाओ किस पे? भाग पे। तो यहाँ पे देखो 6 * 2 से भाग करा, 1 आया, -6 + 6। अब की बार गुणा 6 - 6 + 6। अब देखो प्लस प्लस को साथ में जोड़ते हैं, तो 6 = 6, 12 - 6 = 6 आ गया आंसर। मेरे ख्याल से सारे लोगों का सही रहा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब देखिए यहाँ पे कई निशान एक साथ में आ रहे, सबसे पहले टॉर्च किस पे जलानी है? एक बार भाग पे, दूसरी बार भी भाग पे। यहाँ भी भाग कर लीजिए, यहाँ आएगा 1 * 2 - यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 * 2 - 1। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? अब टॉर्च मारोगे किस पे? गुणा पे। तो 2 - 2 - 2 - 1 - - को साथ में जोड़ते हैं, बात पक्का पता है कि नहीं? हाँ, तो 2 - 3 यहाँ पे आया, -1। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलो इधर आओ। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा अरे भैया इसको कैसे सॉल्व करें, तो बहुत बड़ा है, ऊपर भी है नीचे भी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ऊपर को ऊपर सॉल्व करो, नीचे को नीचे। अब मुझे लगता है तुम इतने स्मार्ट हो गए हो कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो यहाँ से भाग किया, 3 से 15 में कितना आया? 5 + 5 = 30 - 12 = 42 42 में से 10 गया 32 कितने 32 बहुत बढ़िया। आ जाओ नीचे आ जाओ, 2 से 10 में 5 5 × 5 = 25 + 10 उत्तर आ गया तुम्हारा 32 / 35 बोलो मजा आया? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर लास्ट इधर आओ इधर आओ इधर आओ। 2 से 10 में भाग लगाया 5। अब देखो यहाँ 5 तो आ जाएगा, लेकिन अब देखो यहाँ 5 × 5 = 25 -2 = 25 = 30 में से 2 गया 28 + 2 = 28 अब नीचे आ जाओ 9 से 18 में भाग लगाया कितना?
दो, दो दहम्मा बीस, पंद्रह पैंतीस, पैंतीस में से सात गया अट्ठाईस, अट्ठाईस बटे अट्ठाईस बोले तो एक। सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो अगर इतना फास्ट कैलकुलेशन रहा तो अभी तो हमारा बेसिक्स है ना, अभी तो हम जोड़ घटाव ही पढ़ रहे हैं। अगर इतना फास्ट तुम करते रहे तो सारे के सारे क्वेश्चन विद इन वन मिनट, एक मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चन तुम्हारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे।